आज हमारी माओ बहने इन रातों में कोई घल्ले भर रही है, घल्ले भी भरे जाते हैं, नहीं नहीं रुसूमात है, नहीं नहीं पता ना इधर भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते हैं, शरबत से घल्ले भरे जाते हैं, रखे जाते हैं, उनको कुरान रखती है और कहती है जिसकी मन्नत पूरी होगी उसका घल्ला घूमेगा। मैं बच्चा था, मैंने कहा या अल्लाह इस घल्ले में कौन सी मोटर लग रही है जो ये घूम रहा, मेरी बात ही समझ में आई, मैं भी चला गया। जब कब आते, जब मैं पढ़ाई भी शुरू ना की होगी, बहुत बच्चे तो आपको पता बच्चे ही होते चले गए, कैसे घल्ला घूमता, तमाम महल्ले की औरतें शरबत से भर लिया, कुरान ऊपर रख दिया, अब बोले घल्ला घूमेगा, या अल्लाह घूमेगा कैसे, पकड़ा एक ने और पकड़ कैसे कर रही है, घूम रहा। पकड़ के खुद ब खुद कर रही है, घूम रहा। मैंने कहा ऐसे तो सबका घूम जाएगा, जिसकी मुराद पूरी ना हो उसका भी। अरे जब घुमाओगे तो क्यों नहीं घूमेगा। मैं ये सोचा था बैठती होगी सामने, खुद ही घूमता होगा, समझ रहे हैं। तो कोई ऐसी थी तो ना जिसका घूमाना हो, सबका ही तो घूम रहा था, समझ रहे हैं आप। तवज्जो कीजिए, घल्ले भर रही है, कुछ कुछ कर रही है, कुछ कुछ। पहले एक हूरे बनती थी, उस रात में हूरे निकलती थी, एक दो खुराफाते थोड़ी है, एक दो खुराफातों का जिक्र कर दूं मैं। हूरे बनती थी, हूरों का एक रिवाज ये होता था कि महल्ले में से किसी लड़की को लेते थे और लड़की को लेके बेपना मेकअप किया जाता था उस लड़की का। बेपना मेकअप करने के बाद में उसके लिए तख्त सजाया जाता था, तख्त सजाने के बाद में उस लड़की को उस तख्त पर खड़ा किया जाता था, वो तख्त भी बेपना सजा दिया जाता था। मेकअप और सजावट इतनी होती थी कि महल्ले की लड़कियां जो उसे रोजाना देखती थी उस रात में उसे पहचान ना पाती थी, इतना मेकअप। उसके बाद में तख्त पर खड़ा किया जाता था, तख्त पर खड़ा किया जाने के बाद में महल्ले की सारी जवान लड़कियां निकल के आती थी रोड पर और उस तख्त को कांधा लगाती थी जैसे जनाजे को लेकर जाते हैं, और वो हूर खड़ी होती है और ये नौजवान लड़कियां मरसियां पड़ती हुई पूरे गांव में चक्कर काटती हैं, जनरेटर की लाइट होती है, दूसरे महल्ले की हूर आती है, मुकाबला होता अच्छी की मेरी हूर अच्छी, ये होता था। अरे शिया सुन्नी करते थे, सुन्नी मैंने अपने बचपने में ये, अब तो ये बड़ी खुराफातें कम हो गई हैं, औरतों के दबदबे कम हो गए हैं, पहले तो क्या क्या ना करा। किसी के घर में अगर बच्चा पैदा हो गया, जब तक के बुढ़िया ने 8 दिन ढोल ना बजवा लिया चैन ना पड़ा, डंडे डंडा ठोक के डंडे की नोक पे ढोल बजाती थी बुढ़िया, ढोल बजाओ, ढोल आते थे बजाते थे, अब बुढ़िया की कोई मान नहीं जाता। पूरे आती थी बेपर्दगी, नौजवान लड़कियों का काम था, उसमें लड़कों का कोई काम नहीं, रात में, और वो 12 बजे के बाद निकलती थी, और 12 बजे से पहले नहीं, और 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक निकलती थी, पूरे रास्तों में गलियारों में तमाम लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां लड़कियां, औरतें छतों पर हूर जा रही है, हूर जा रही है, हूर, समझ रहे हैं। एक दो खुराफातें थोड़ी थी, आज भी ये खुराफातें हैं, अल्लाह ताला इन खुराफातों को दूर फरमा दे, आमीन। मेरी माओ बहने मेरी तकरीर सुन रही होंगी, सुने